बॉल होता था उसके अंदर कंकड़ होते थे और एक ऊपर एक प्लास्टिक होता था ऐसे पैक, याद है? ध्यान है? तो उसमें उंगली में लपेट लेते थे ऊपर, और जितना तेजी से फेंकते थे, लेकिन पहले उंगली में लपेटना जरूरी है कि फेंकेंगे सारा निकल ही जाए, तो जितना तेजी से फेंकोगे फेंकना जरूरी है अगर चाहते हो कि वापस, ये आपको सीखना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, ये हुनर धीरे 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 आप में आएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया जिंदर को जोड़ने का तरीका मैंने बताया। इसके बावजूद भी जिंदर क्या बोल रहा है कि मुझे अब एक और तरीका है, छोड़ता तो नहीं हूं। देखो हमको पहले ये टेक्निक क्यों आ गई, क्योंकि हमको पता है शुरू में क्या था कि साला वैसे तो कोई प्लान देखने आता है, अब आ गया तो साले को छोड़ूंगा, साम दाम दंड भेद इसको जोड़ डालो। ठीक है जिंदर, अभी भी कह रहा है कि मुझे काम नहीं, ठीक है जिंदर बात खत्म, आज के बाद इस धंधे के बारे में तेरे से बात नहीं कर, ये तेरा नाम रखा हुआ था 112 नंबर पे, तुझे दिखा दिया, कल को तू ये नहीं बोल सकता कि तू अकेले अकेले कमा गया। ठीक है जितने भाई, बड़ा अच्छा लगा तेरे से मिलके, कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती बनी रही, आप चले, मैं बता देता हूँ सर आपको, सब ज्यादा मोहब्बत आदमी को अपने नाम से होती है, मतलब 50-40% चांसेस हो सकते हैं कि जब आप दो बार लाइन मारो बोले मत कर, मैं ठीक है कर रहा हूँ यार, तुम नाम नहीं बनता ऐसे तो मत कर यार, क्या कर। मैं दावा दे रहा हूं यहां 127, 128, 130 लोग बैठे, आपको सब ज्यादा प्यार अपने नाम से, अपने माँ के नाम से भी ज्यादा, बाप के नाम से ज्यादा, बच्चे के नाम ज्यादा, बीवी के नाम से, सब ज्यादा प्यार आपको आपके नाम से, गारंटी है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। आपने पेन खरीदा होगा जिंदगी में कभी भी, सबसे पहले अपना नाम लिख के देखा होगा, माँ का नहीं लिखा होगा, बाप का नहीं लिखा होगा, बच्चे का नहीं लिखा होगा, बीवी का, अपना नाम लिखे देते हैं, चलता है ना? तो साला मैंने जिंदर का क्या किया, रेड कर दिया, तू मत कर यार, तू रहने, तेरे से ना होगा, वो हमारे भाषा में बोलते हैं ना, यहाँ के बस की ना है भाई। तुमसे ना हो पाएगा भाई, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, तो ये फॉलो के कुछ, और ये सब आपको मस्ती में करना है, टेंशन में नहीं करना यार, नहीं जुड़ेगा तो क्या, अरे नहीं जुड़ेगा साला, नहीं जुड़ेगा, इसको मतलब टेंशन में नहीं आ जाना, उसको मना कर दियो, घर से बाहर ना करेंगे, मुझे 5 लोग मना कर गए आज, मिलते हैं ऐसे लोग आपको, 10 लोगों ने आज मना कर दिया, 10 लोगों ने चड्डी उतारा, हम कर रहे हैं नौकरी, ठीक है बोलता थोड़ी आप, अरे 9 बजे जाओ, 6 बजे आ जाओ, सुबह जाओ, शाम आ जाओ, माँ भी बोलते मेरा बच्चा घर आ गया, कितना बढ़िया था, वही ठीक है हमारे लिए, लेकिन वो आपको 3 बेडरूम नहीं देता यार पूरी जिंदगी, वो आपको 3 BHK पूरी जिंदगी में देता नहीं, जो अच्छा काम है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें सहूलियत है वो पैसे नहीं देती, जिसमें सहूलियत नहीं है ये सब काम, ये पैसे देता है, सहूलियत वाले काम पैसा नहीं देता, सहूलियत वाले काम पैसे नहीं देते, पैसे देते हैं जिसमें सहूलियत, वो कहते हैं if you want to live a comfortable life, be uncomfortable for the rest next 5 years. अगले 5 साल अपने जिंदगी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, अगर पूरी जिंदगी चाहते हो कंफर्टेबल। देखो दो बातें हैं, या तो आज ऐसी तैसी करा लो जिंदगी भर मौज करो, या आज मौज कर लो और जिंदगी भर ऐसी तैसी कराते हो। चॉइस आपके पास है, क्योंकि बिजनेस आप चॉइस से नहीं जुड़े हैं, चांस से, अब आपके पास चॉइस है कि जिंदगी को अच्छा करना है या बात समझ में आ रही है, तो मैं अगले टॉपिक में बता रहा हूँ। तो हमने एक बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया आज, बेसिक कोर्स में लिस्ट आ गया, इनविटेशन आ गया, फॉलोअप आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, जी लगाना आ गया है ना, और
लिस्ट का यूज करना। लिस्ट का यूज, ये लिस्ट का यूज है। पांच सुनों का लिस्ट जब दिखाओगे ना किसी को, फीलिंग आता है उसको, लगता साले तो करेंगे। जब उसकी आंख में आंख डाक के बोलते कि 500 को दिखाऊंगा अगले दो महीने, वो चाहते हो साले मना करें। मैं इनको मना सुनने के लिए धंधा दिखा रहा हूं। उसको लगता है कि पागल है। देखो आदमी दो तरीके से बिजनेस में जुड़ता है, या तो उसमें डर पैदा हो या लालच पैदा हो। या तो लालच पैदा हो जाए धंधा देख के वो तेरी बड़े बड़े पैसे कमाने घुस जाए, या उसमें डर पैसा हो कि साला ये अकेले कमा लेगा मैं रह जाऊंगा। उसमें अगर इन दोनों में से आप एक चीज पैदा कर सके तो वो जुड़ जाए, या तो उसमें लालच पैदा हो जाए। आप मर्सिडीज दिखा रहे हैं, बीएमडब्ल्यू दिखा रहे हैं, ऑडी दिखा रहे हैं, बैंकॉक के टूर दिखा रहे हैं, वो लालच आ गई मैं भी करूंगा। लालच पैदा नहीं हो रही, साले को डर पैदा कर, तू रह जाएगा हम सारे कमा जाएंगे। एक दिन तू यहीं का यहीं रहेगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी बाइक भी बिकेगी। हिंदुस्तान में डरपोक बहुत अलग है, मतलब उनको इतना डरपोक लोग हैं उनके कमरे की दरवाजे की खिड़की के ऊपर अगर टॉवल लटक रहा होगा तो उनकी फट जाएगी रात को देखकर। उसको ना कोई है मेरे घर, पट्टू टाइप लोग रहते ना यार। या तो लालच पैदा कर दो यार। अब आप बोलोगे आपको मैं आतंकवादी टाइप तो नहीं बना रहा हूं। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है गौरव जिसमें लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, जान दे देते हैं, लोग आतंकवादी बन जाते हैं सर बुरे कामों के लिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं क्या ट्रेनिंग मिलती होगी, सारा लोग बम मार देते हैं शरीर के ऊपर। ऑलरेडी ट्रेनिंग, लोग कहते हैं ट्रेनिंग का जरूरत क्या है, मैं कहता हूं ट्रेनिंग का ही जरूरत है, क्योंकि ताकत तो आप सब में है, कोई ना कोई तो पंप करने वाला चाहिए। आदमी अपने आप होता नहीं, हनुमान जी को बोला हो जामवंत ने तू चला तो मैं जामवंत बन के खुश हूं, मैं चाहता हूं तुम हनुमान जी बन जाओ। लेकिन कोई ना कोई चाहिए ट्रेनिंग, गुरु की जरूरत इसीलिए रहती है। बोलते वो परवल में हमारे एक दोस्त रहते हैं, हम उनके घर जाते थे पहले शुरू में, तो वहां पर एक नदी होती थी, तालाब था, नदी तो नहीं थी तालाब था, तो वहां पर वो क्या करते थे, वो तैराक बहुत अच्छे थे दादाजी, दादाजी उसके ना बड़े अच्छे तैराक थे। तो उस जो गांव था उसके सारे बच्चों को उन्होंने तैरना सिखाया, सारे ऑलमोस्ट सारे बच्चे उनसे तैरना सिखाया, मैं भी उन्होंने मुझे भी उन्होंने सिखाया था। तो वो क्या करते थे, वो बच्चा जब 3-4-5 साल का हो जाता था तो उनके पास आता था कि मुझे सिखाओ, वो उसको उठाते थे और उस तालाब में फेंक देते, वो कुछ नहीं करते, उठा के उसको फेंक देते। और वो क्या करता था, वो हाथ पैर मारता था। तो शुरू शुरू में इनडिसिप्लिन हाथ पैर चलते थे, पता नहीं था कि हाथ कहाँ जा रहा था पैर कहाँ जा रहा था, तो वो घबराता था, तो वो जाते थे उसको फिर निकाल लाते थे, उसको फिर फेंक देते थे, वो फिर साला हाथ पैर मारता था। तो वो घंटे दो घंटे तीन घंटे के बाद वो हाथ पैर डिसिप्लिन चलना शुरू हो जाते थे, पहले अनडिसिप्लिन चल रहे थे फिर, तो वो दो दिन में लड़का सीख जाता था। तो लड़का जब सीख के बाहर आता था 10 साल का 12 साल का 15 साल का, तो बाहर आके उनको बोलता था आपने क्या किया, साला हाथ पैर तो मैं चला था, तुम तो बाहर जाके तमाशे देख रहे थे, तुमने तो कुछ नहीं सिखाया, तुमने धकाया। तो कोच जो उनका था, जो दादाजी थे उसके, उसने बोला बेटा तेरे को यही सिखाना था, जो धकाना था यही सिखाना था, क्योंकि मेरे बिना तो कूदता नहीं उसके अंदर, बस कोई ना कोई चाहिए तो कूद दे, तो खुद ही रहते हैं। कोई अंदर आके थोड़ी ना कराएगा तैरना, तो लेकिन वो कोच का जरूरत कहता है ना, वो तेंदुलकर कितना ही महान हो कोच का जरूरत। इंडिया टीम गई है तो कोच गया है ना साथ, जाते साथ में नहीं जाते, कोच का जरूरत। आगे लेके चलता हूं, आज बड़े दिनों के बाद मुझे बेसिक कोर्स कराने में मजा भी आया है। मतलब बहुत टाइम के बाद हम 5-6 घंटा बेसिक के ऊपर बात किए, मुझे बहुत टाइम हो गया बेसिक में, आधे घंटे में कोशिश करता हूँ खत्म कर दूं, लेकिन बात इतनी अच्छी लगी करते 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 और अंदर अंदर घुस गए, 5-6 घंटे बेसिक 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 ही करते रहे हम लोग, है ना। सर एक क्वेश्चन है, मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग हैं ज्यादातर यहाँ से एनसीआर से बाहर हैं, जैसे राजस्थान में या इलाहाबाद साइट वाइट पर हैं, तो उनको मैं फोन पे तो बात कर सकता हूँ लेकिन पर्सनल कैसे उनको जोड़े, इलाहाबाद वाले को मेरे से मिलाना। चलो ये तो देखो मेरी सलाह आपको ये है
कि आप शुरुआत में जब तक आपको 1 लाख रुपए नहीं आता आप दिल्ली से बाहर काम करने का कोशिश मत करिए, दिल्ली एनसीआर से बाहर। अगर 1 लाख रुपए आ जाएगा फिर ये सवाल पूछिए, मैं जवाब। जब तक आपको 1 लाख रुपए बिजनेस से नहीं आता आप दिल्ली से बाहर मत जाइए, मेरी पर्सनल सजेशन है। उसका कारण भी है, कारण ये है कि जब आप दिल्ली से बाहर जाते हैं तो उसमें खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, और आप इतने परिपक्व नहीं होते कि बाहर हैंडल कर सकते, क्योंकि 2 दिन के लिए जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा, जब वापस आएंगे वो टीम ढीली हो जाती है आपके बिना। बाहर जाने का फायदा तब है जब आप 1 महीना वहां रुक सके, 15-20 दिन वहां पर होटल लेके रुक सके, बिजनेस फैला सके। लेकिन अगर आप 1 दिन गए वापस आ गए तो बाहर का बिजनेस डेवलप होता नहीं। तो जब तक आपको लाख रुपए नहीं आ जाते दिमाग में समझ लो मत जाओ। 1 लाख कमाने के बाद जाएंगे दिखाने के लिए होता है कुछ कि मैं इस बिजनेस को 3 महीने से कर रहा हूँ, देखो मुझे 1 लाख रुपए आ गया, तुम भी करोगे ऐसा। तब तक बिजनेस को बाहर मत जाओ। एनसीआर बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, जी जी समझ में आया आपके लोगों को? बेसिक सारा का सारा कोर्स पंगा समझ में आया? फंडे क्लियर हो गए आप लोगों को? Yes, एक चीज सीख के जाइएगा आज, और कुछ सीखे के ना सीखे, ये सुनना सीख लीजिए। मैक्सिमम यही मिलने वाली है आप 10 को दिखाएंगे तो 9 यही करेंगे ना। वो साला करेंगे क्यों, उसकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो भी आपको आंसर देता हूं। बच्चा छोटा होता है ना तो माँ क्या बोलती है, नहीं करना है ये, नहीं करना है वो, नहीं करना तूने ये, नहीं कर, बाहर जाओ ना, टीवी देख लो ना, उस सब खेल लो ना, ये कर लो ना, ये बड़ा हो गया ये भी क्या कर रहा है ना 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 ये वो भी जाने कर दिया ना। तो फिर ये कहता है गर्लफ्रेंड को मैंने बोल दिया, उसने भी मुझको बोला, वो भी ऐसी आई कुत्ते की तरह, कौन हंसा ऐसा? कौन हंसा है? चलो बात समझ में आ रही है आपको? सीरियस सुनो, चलो तो अगले सेशन पे चलते हैं हम। आपको ये सीखना पड़ेगा क्या सुनना ना, लॉ सिखाते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, लॉस, LAWS, लॉस नहीं बोलते, नियम, नियम सिद्धांत, लॉस, LAWS, लॉस सिद्धांत बोलते हैं इसको, सिद्धांत। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद एक टॉपिक मेरा और है, मैं लास्ट में देता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, आपको नहीं दिखाता। बोलना चाहो तुम्हें लिख लिया सिद्धांत, क्या बोला हमने? सिद्धांत, लॉस। पहला लॉ जो आपको सीखना है आज उसको मैं बोलता हूं LOA, लिखिए बड़ा बड़ा अपने अपने डायरी में, नोट पैड में लिखिए LOA, LOA मतलब लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज लॉ ऑफ एवरेज। सारी दुनिया लॉ पे चलती है, लॉ नियम है, दुनिया के नियम है। सूरज सुबह उगेगा शाम को हो जाएगा ना, रात के बाद क्या आएगा, दिन के बाद फिर से रात, बरसात के बाद ये वाला मौसम, उसके बाद वो वाला मौसम, फिक्स है। फिक्स है कि नहीं है? Yes. कितने सालों से? कई सालों, 6,000 साल, 6,500 साल हो गए धरती के बने हुए, 6,500 ईयर फिक्स है। आफ्टर समर्स विंटर्स, विंटर के बाद फॉल्स स्प्रिंग्स, चलते हैं ना सीजन, लॉ है ना, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, चल रहा है 6,500 साल। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, लाइट जल जाएगी, लॉ है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से चीज गिरेगी नीचे गिर जाएगी, है ना, ग्रेविटी। तो हर जगह के लॉ है, तो नेस्विज में भी कुछ लॉ है। नियम समझ लेंगे ना तो गलती नहीं होगी, याद दुख नहीं होगा, अफसोस नहीं। लॉ ऑफ एवरेज एक ही बात सीखता है और सिखाता है,
बहुत होशियार हूँ, हल्के में ला देना मुझको, मैंने दोनों पलट दिए। ये है लॉ ऑफ एवरेज, गांठ मान दो सर, गांठ इसको अच्छे से पी जाओ, सारा ग्लास में डाल के इसको आप दोस्तों ग्लास में डाल के पी जाओ, इसका जूस बना लो, मुरब्बा बना लो, खा जाओ, 10:1। ये फिगर आपके दिमाग में साला छप जानी चाहिए, बस ये फिगर तुम सब लोगों के दिमाग में पेस्ट हो जानी चाहिए, खोद कोई खोद दे तो खटे नहीं, ये टैटू हो जाना चाहिए, सारा निकले नहीं आपके हाथ से, परमानेंट टैटू। 10:1, क्या बोला, जोर से बोलो आप सब, 10:1, जोर से बोलो, आर्य, 10:1, और जोर से बोलो सर, 10:1। ये नियम है कि 10 को प्लान दिखाओगे तो 1 करेगा, 9 नहीं करेगा, ये नियम है कि अगर आप 10 को प्लान दिखाओगे तो 9 नहीं करेंगे, और जब वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम हंसेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, आप हाथों मिला यार, समझ में आ रही है आपको, 9 इट्स अ लॉ। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो मुझको साला नहीं पता, पता नहीं कर भाई, नहीं कर रहा, अब सर्दी के बाद गर्मी आई क्यों, मुझे जब धरती बोल रही थी उस मीटिंग में मैं नहीं बैठा, अगली बार जब निर्माण होगा मुझे बुलाएंगे ना, बता दूंगा, ऐसा मत करना भैया, बड़ी मेहनत से प्लान दिखाते हैं, सारे जोर डालो इनके साथ, तब तक ऐसा है यार। 10:1, इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल यू विल गेट, गॉट इट, यस। तो रोते मत आना, आज मैंने 4 प्लान दिखाए, सारा एक नहीं जुड़ा, तो कौन सा एहसान किया, तो नहीं जुड़ेंगे ना यार, 10 को दिखा 1 जुड़ जाएगा, वो ले आपने 10 को दिखा 1 जुड़ा तो 100% रिजल्ट है आपने। 10:1 परफेक्ट आंसर, 10 को दिखाएंगे 1 जुड़ेगा, 10 को दिखाएंगे 1 जुड़ेगा, 10 को दिखाएंगे 1 जुड़ेगा, 10 को दिखाएंगे 2 जुड़ेंगे, लॉ बदल गया, पहली बार 10 को दिखाया 1 जुड़ा, दूसरी बार 10 को दिखाया 1 जुड़ा, तीसरी बार 10 को दिखाया 1 जुड़ा, चौथी बार 10 को दिखाया 2 कितने जुड़े, 2 क्यों जुड़े, बिकॉज यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय, जैसे जैसे आप प्लान दिखाते जाते हैं आप थोड़े से बेटर होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं, कुछ पैसे आ जाते हैं, दिखाना समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास हो जाता है बिजनेस के ऊपर, रेशो ठीक है, लॉ बदल गया। 10 को दिखाएंगे कितने जुड़ेंगे, 2, 10 को दिखाएंगे कितने जुड़ेंगे, 2, 10 को दिखाएंगे कितने जुड़ेंगे, 2, 10 को दिखाएंगे कितने जुड़ेंगे, 3, क्यों, बेटर, बिकॉज यू आर गोइंग बेटर डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। हाँ, 10 में 4 कोई जोड़ रहा है तो वो जीनियस है मेरे हिसाब से, अगर आप 10 में से 4 ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप जीनियस, 10 में से 3 कोई जोड़ रहा है मेरे लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, भंगड़ा पाओ, ढोल बजाओ, मस्त काम कर रहा है, 10 में से 2 जुड़ रहे हैं, 1 जुड़ रहे हैं, मस्ती वाला काम कर रहा है, 10 में से 1 भी नहीं जुड़ रहा, प्रॉब्लम है, सीनियर के साथ बैठो कंसल्ट करो कि दिक्कत कहां है, और 10 में से 10 जोड़ रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, सालों झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ, हाँ ऐसा नहीं होता, तो लॉ है 10:3, ये जी 10-4 जीनियस, कुछ सुपर जीनियस निकलेंगे, सुपर जीनियस, एक समय के बाद उनका रेशियो होगा 10:9, एक समय के बाद उनका रेशियो होगा 10:9, मैं उस रेशियो में आता हूं 10:2, अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो मैं 9 जोड़ूंगा, ये रेशियो बन जाता है, क्योंकि उस रेशियो में 10 साल लगे हुए, 10-11 साल की ऐसी की तैसी लगी हुई, हो सकता है आपका रेशियो 10:9 हो, शकीब नाम शफीक, शफीक हो सकता है तुम्हारा रेशो 10:9 हो, तुम मेरे सीनियर हो और मैं अभी अभी नया धंधे में आया हूं, मेरे रेशो को 10:2, बैंकों का कॉन्टेस्ट आ गया, शफीक मैं तुमको हरा सकता, शफीक तुम 10 को प्लान दिखाओगे कितना जोड़ोगे, और अगर मैं 100 को प्लान दिखा दूं कितना जोड़ूंगा, शफीक अगर 10 को प्लान दिखाए तो जोड़ेंगे 9, और अगर मैं 100 को दिखा दूं तो मैं तुमको हरा सकता, इसका मतलब If you lack in skill, you can beat in numbers. अगर आप स्किल में हार रहे हैं कहीं, ढीले हो रहे हैं कहीं, तो सारा नंबर में हरा सकते हैं। If you lack in skill, you can beat in numbers.
तो शफीक को मैं हरा सकता हूँ ना? लॉ समझ में आया? केमिस्ट्री वन, केमिस्ट्री टू, केमिस्ट्री थ्री, बस बहुत है यार, इस ज्यादा नहीं चाहिए। कोई जुड़ भी रहा तो बस मत जुड़ भाई, लॉ खराब मत करना, नहीं चाहिए भाई। तू किसी और के पास चला जिसमें 10 का एक भी नहीं हो रहा, उसमें चला जा, हमारा लॉ बहुत बढ़िया चल रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? केमिस्ट्री वन, केमिस्ट्री टू, केमिस्ट्री थ्री, ये पहला लॉ है जो आपको समझना जरूर। एल ओ यू दूसरा लॉ समझना जरूरी है। एल ओ यू पहला था एल ओ ए, अब है एल ओ यू, क्या बोला है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूज, यू एस ई यूज। बहुत जरूरी है सीखना आपको, अति आवश्यक। एल ओ यू नवीन भाई को एक डेमो दिखाते हैं सबको, बहुत बार दिखाया मैंने, एक बार और दिखाते हैं, जिन्होंने देखा उनके लिए रिपीट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए नया होगा। नवीन भाई अब एक काम करो, इस हाथ को पकड़ो ऐसे और ऐसे रखो। नवीन भाई का हाथ अगर ऐसे रखते मैं प्लास्टर कर दूं और एक घंटे के बाद खोलूं, तो एक घंटे के बाद क्या होगा इनके हाथ का हाल? एक घंटे बाद क्या होगा? दर्द, पेन होगा, है नवीन भाई? अरे तो नवीन भाई का हाथ एक घंटे के बाद दर्द करेगा, खोलेंगे तो बहुत पेन कर रहा होगा, है ना? नवीन भाई अगर इसके हाथ को मैं एक दिन के लिए बैंड कर दूं और एक अगले दिन खोलूं कल, क्या होगा? बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है नवीन भाई? और अगर मैं इनका हाथ एक महीने के लिए ऐसे बैंड कर दूं, क्या होगा सर? एक महीने खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा पक्का नवीन? यानी अगर ये अपने हाथ का इस्तेमाल एक महीना ना करें तो वो खराब हो जाएगा, यही कह रहे हैं आप लोग? क्या आप यही कह रहे हैं? मैं ठीक हूं नवीन, बैठ जाओ। लॉ ऑफ यूज यही बोलता है सर, लॉ ऑफ यूज ये बोलता है इफ यू डू नॉट यूज इट यू लूज इट। If you do not use it, you lose it. Lose. इसका और विस्तृत जानकारी यह है, If you do not use your potential, you lose your potential. अगर आप अपने potential का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो खत्म हो रहा है, वो रहेगा नहीं आपके पास। ऐसा नहीं होगा कि नवीन एक महीने के बाद अपने हाथ का इस्तेमाल कर सके, कि एक महीना नहीं किया तो क्या आप कर लेते हैं? अगर इसने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल एक महीना नहीं किया तो वो पोटेंशियल रहेगा नहीं, खत्म हो जाए। और आप सोचो इस देश में, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिमाग का कितने सालों से इस्तेमाल नहीं किया और उनको लगता है कि उनके पास दिमाग है, क्योंकि लॉ ऑफ यूज कहता है वो रहेगा नहीं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बचा नहीं है, वो खत्म हो चुका है, दिख रहा है लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको पोटेंशियल का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा अगर आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं। 86,400 सेकेंड होते हैं एक दिन, 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन और रोज होते हैं। ये ऐसा बैंक है जिसके अकाउंट में रोज 86,400 रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस 86,400 का इस्तेमाल ना करें तो ये बैंक बैलेंस अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आपने आज 86,400 में से 50,000 सेकंड काम किया, बाकी 36,400 सेकंड अगले दिन में ऐड हो जाए, ऐसा होता है क्या? कि अगला दिन 24 की जगह 30 घंटे का हो गया, भगवान को बोला आज तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया, तबीयत ठीक नहीं थी, आज मेरी बीवी बीमार थी, मैं उसकी सेवा में लगा हुआ था, आज मैं मेहनत नहीं कर पाया तो मुझे अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम, ऐसा हो सकता है? इफ यू डू नॉट यूज इट, तो आज जो करना है वो आज ही करेंगे, नहीं तो आज का दिन 23 जुलाई 2016 जिंदगी में नहीं आएगा, ना आपकी नाम है। जो चला गया साला सो, दुख है मुझे बताते हो कि आधा जिंदगी जो तुम्हारा चला गया है, मेरा भी जा चुका है।
एक सच और मैं बता दूं, उस दिन मैं गाड़ी में किसी को बता रहा था, गौरव को बताया मैंने, आप सब मरोगे मैम जी। मैं उसे गौरव को रास्ते में तुमको बता रहा था, किसको बता रहा था, मैंने बोला यार वो मेरी गाड़ी में दो लोग तीन लोग बैठे थे, मैंने पीछे मुड़ के बोला, मैंने कहा यार एक दिन हम सारे मर जाएंगे यार। बोला कैसी बात कर रहे हो सर, मैंने कहा यार सच तो है यार, एक दिन साला हम सारे मर जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं किसान, मैं चाहता हूं पर्सनली आप भी मेरे साथ शामिल रहिए, कि जब साला लटा रखा हो ना जलाने के लिए, तो बाकी लोग बोले साला कुछ करके जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है जलना नसीब ना हो, के रास्ते में फटफट जाए, कुछ नहीं पता यार, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब सारा फ्यूनरल हो रहा हो ना, तो ऑडी मर्सिडीज जैगुआर रॉयल सारा साली बाहर खड़ी, ऐसे दोस्त हो हमारे तरफ, ऐसे संपर्क में लोग हो कि मर्सिडीज में आए, रॉयल सारा में आए, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा हो, बोले साला बंदा कुछ खतरनाक गया यहां से, जिसकी कमी साली महसूस भी हो कि रहता तो कुछ और कमाल करता। ऐसे जाएंगे तो साला सब, लेकिन जब जाए तो साला धूल उड़नी चाहिए कम से कम 10 साल, मजा तो तब आएगा ना यार। एक दिन तो अरे नाराज हो तो यार खुश इसको भी एंजॉय एंजॉय दिस इवेंट, ये सच है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। आपको चलो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सीखना पड़ेगा सर ये खर्चा करना सीखना पड़ेगा। You have to learn how to expend with expense. आपको सीखना पड़ेगा क्या करना, वो चिंदी चोरी छोड़नी पड़ेगी, वो मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी दिमाग से निकालनी पड़ेगी, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। मेरे पिताजी कभी कभी बोलते हैं पैसे बचाने चाहिए, मैंने कहा 40 साल आपने बहुत बचाया होगा, बैलेंस बैलेंस बोला भाई, तो मैं 40 साल 50 साल खूब पैसे बचाए होंगे ना, बचा ले बचा ले बचा ले करके, आप तुम्हारे खाते में कितने पैसे, बोले यार कैसी बात है यार, तुमने तो बचाया ना, आपने मिला कुछ बचा क्या, बचा के बचता कभी नहीं है, बचता सिर्फ कमा के, बचा के नहीं बचता यार। किसी की माई बाप में ताकत नहीं है इस देश में कि पैसा बचा के बचा ले, पैसा कमा के तो बचाया जा सकता है, बचा के नहीं बचा, और अगर बचाया हुआ बच जाए तो सड़ जाता है, पानी चलता रहना चाहिए साफ रहता है, रुक गया सड़ान होती है ना सड़ जाएगा, चलता है। तो खर्चा करने की आदत आपको डालनी, तैयार हो? Yes. चलो कितने लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपए खर्च करने को तैयार हो, ईमानदारी से बताओ तो यार, ईमानदारी से हाथ देखो, जो नहीं कर रहे पापी हो। 7 घंटे हो गए मुझे बक बक करते, तुम शर्म ना आई, तुम मरो आसपास को रेलवे का फाटक है तो चले जाओ, तैयार हो? Yes. दोनों हाथ खड़े करो, मैं विश्वास से भर जाऊंगी दादा मेरे कहने को इतना कुछ कर सकते, क्या बात है, जोरदार तालियां उनके साथ। एक आदमी ने मुझे बोला सर आपके लिए जान दे देंगे, मैंने पूछा कह रहा सच में थोड़ी मांग रहे यार। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना है ये जो मैं पलट रहा हूं, जिन जिन लोगों ने ये नहीं किया है वो कल ही करें। सिंगल आइडिया है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है मंडे को ट्राइपॉड में कन्वर्ट करें, जिन लोगों ने सिंगल आइडिया से किया होगा 7950 से या 9770 से, अब आपको करना है उसको ट्राइपॉड में कन्वर्ट, यानी 16,000 या 20,000 रुपए और लगाने, मुझे नहीं देने,
लगाने कपड़े। देखो मैं आपको बता दूं, गौरव को पता है, गौरव मेरे सामने है, मेरी टीम में है, आपकी टीम से जितना भी सेल होगा मुझे पैसा नहीं आता है ना गौरव, मैं गलत तो नहीं कह रहा है ना, कुछ पावर लैग होती है, कुछ वीकर लैग टाइप कहानी होती है ना। आई एम नॉट गोइंग टू अर्न अ सिंगल रुपी फ्रॉम योर ग्रुप, और आने वाले 5-10 साल तक संभावना रूप मुझे नजर नहीं आता। आप जितना भी पैसा लगाएंगे उसकी मुझे 1 रुपए की आमदनी नहीं होगी, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पैसे लगा के मुझे शायद कोई कमाई हो जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पैसे लगाएं ताकि आप कमाएं। प्राइवेट से इनकम बढ़ती है, दुगनी होती है, तिगुनी भी होती है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। बिना मेहनत की इस दुनिया में कहीं पैसे नहीं आते। जो भी आदमी आपको मेहनत ना करने का रास्ता बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। जो भी आदमी आपको ये बोल रहा है कि तुझे बिना काम के पैसे आएंगे वो इस कंपनी में झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लाइफ चेंज होती है। लेकिन उससे पहले टेक्निकली भी कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको कन्वर्ट करना है अपनी आईडीज को किस चीज में। ट्राइपॉड आप समझते हैं सब लोग? एवरीबॉडी नोज अबाउट ट्राइपॉड एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है, नुकसान पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता वो अपने सीनियर से कल बैठे हैं और पूछे हैं कि सर ट्राइपॉड नाम की क्या बला होती है, साला हमको कहीं को नहीं बताई। हो सकता है सीनियर ने छुपा ली हो, बड़ा जुगाड़ी हो सकता है वो, तो कल ही पकड़ लो उसका पजामा उतार डालो, अंडरवियर फाड़ दो, उसको बोलो ट्राइपॉड बता साला क्या होता है, और लगा हमारा ट्राइपॉड हमारे साथ। तू अकेला कह रहा क्यों 3-3, 4-4 चेक ले रहा है, हमको क्यों नहीं कमा के दे रहा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो ट्राइपॉड लगाने में आपको सिंगल आईडी लगाएंगे, 2 आईडी और लगा सकते हैं, कंपनी में अलाउड है, तो 2 आईडी और लगाएंगे तो आपको पे आउट भी आएगा उसी आईडी पे, आपको 2 मौके घूमने के और मिलेंगे, साथ साथ आपका बिजनेस सॉलिड हो जाएगा। तीसरी बात, जब आप ट्राइपॉड से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो किसी को कन्विंस भी कर सकते हैं ट्राइपॉड लगाने के लिए। जो चीज खुद ही ने नहीं करी होगी वो किसी को बोलेंगे भी कैसे? हेलो, है ना? खुद गंगा जी ने नहाए तो किसी को कैसे बोलेंगे नहा ले? वो क्या तू गया ना? जब तक आपने खुद कोई काम नहीं किया तो आप किसी को वो काम करने के लिए आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको बात समझ में आ रही है? ट्राइपॉड इज इंपॉर्टेंट। मंडे का टाइम है आपके पास, मैं देखूंगा, गौरव से पूछूंगा, सब लोगों से पूछूंगा कि सब लोगों ने लगाया या इतना तो विश्वास करते होंगे मेरे ऊपर, गलत तो नहीं बोलूंगा यार। आपके ट्राइपॉड लगाने से मुझे जेन्युइनली कोई बाइनरी कमीशन नहीं आएगा, सच में नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। आपके लगाने से पैसे किसको आएंगे सर? आपको ही आने वाले। और कल तो आपने पैसे कमा लिए और मैंने मांगे तो साला तुम उधार ही दोगे मुझे। ऐसा नहीं होगा कि सर हमने कमा लिए 10 लाख आप ले जाओ, क्यों करो भाटिया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लगा लेंगे सर। गौरव जी आप मुझे बताना किस किसने लगाया किस किसने नहीं लगाया, जिसने लगाया उसको घर में शराब दूंगा मैं। नहीं आपका आपका फायदा है, देखो तो आप समझ लीजिए अपना इनसे, लेकिन बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, आपके आमदनी के लिए। हो सकता है आपके कुछ सीनियरों ने आपको बताया भी ना उसके फायदे, तो पूछिएगा कि बताओ भाई क्या बताया, क्यों बताने चले गए शर्मा जी? मेरा लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट करते करते बोलो तुम छोड़े नहीं। अरे मजा आ रहा है, मैं नचनी हूँ सारे। ऐसे बोलो ना यार, मजा आ रहा है। अच्छा मैंने एक जगह सेशन दे रहा था, मैं क्या बस करूं, कह रहा नहीं सर लगे रहा मजा आ रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये, रिस्पेक्ट यूर अप्लाई, रिस्पेक्ट यूर अप्लाई। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया सर, भगवान है, गुरु है आपके लिए, चाहे आपसे छोटा हो सकता है, आपसे कम पैसे कमाने वाला हो सकता है, आपसे लाइफस्टाइल उसका छोटा हो सकता है, कम छोटी जगह पे रह सकता होता है, हो सकता है आप बड़ी महंगी जगह रहते हो, छोटी जगह रहता हो, ऐसा हो सकता होता है। लेकिन सर आपको करना पड़ेगा रिस्पेक्ट यूर अपना, रिगार्ड यूर अपना। गुरु की इज्जत जरूरी है कि नहीं है सर? हाँ सर। अगर आदमी धंधे में लाया, पैदा तो आपको उस धंधे में इसी ने किया ना। आप जो लोग इस कमरे में बैठे हैं किसकी वजह से बैठे हैं सर?
उसकी वजह से जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया, क्या मैं ठीक हूँ? अगर वो आपको इस बिजनेस में नहीं लाता तो आप इस रूम में मुझको नहीं सुन रहे होते पिछले 4-5-6 घंटे से, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes. तो आपको रिगार्ड देना पड़ेगा उसका कि नहीं देना पड़ेगा? रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अब देखो ऐसा हो सकता है कभी कभी बाप शराबी हो जाए, दारू पाए हो जाए, लेकिन बाप तो सारा बाप ही रहेगा। ये थोड़ी बोल सकते हैं मेरा बाप शराबी है मैं कोई और ढूंढूंगा, नहीं बोल सकते ना, पिता तो पिता ही रहेगा यार, शराबी हो कबाबी हो लड़की बाज हो कैसा भी, बाप को तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा अपने। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं कब शुरू होता है? जब जो डाउनलाइन है उसको ई आने शुरू होते हैं। क्या बोला? पैसा 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 माल। तो जब उसको माल आना चालू होता है तो ये माल होना शुरू होता है। जब उसको माल आना चालू होता है तो ये माल हो जाता है। अहंकार ईगो इग्नोरेंस आना शुरू हो जाता है जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं। एक आदमी मुझसे पूछा एक दिन कि सोनू जी पैसा आने के बाद आदमी कैसे हो जाता है? मैंने बोला पैसा आने के बाद आदमी जैसा होता है उसी में बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ मैं आपको समझाना चाहता हूं इस टॉपिक को, अगर आप समझ सकें नेक्स्ट में भी काम आएगा जिंदगी में काम आएगा। पैसे आने के बाद संदीप आदमी जो होता है उसी का विस्तार हो जाता है। पैसे नहीं होता तो आदमी झूठा हो सकता है, पैसा आदमी आने के बाद आदमी सच्चा हो जाता है, जैसा होता है वैसा ही हो जाता है। पैसे नहीं होते तो झूठ बोल सकता है, कुछ गलत टोपी पहन सकता है, गलत मुखौटा लेके घूम सकता है क्योंकि पैसे नहीं है, मजबूर है, गरीब है। पैसा आदमी की सच्चाई को दुनिया के सामने ले आता है। पैसा गौरव भाटिया इंसान के वास्तविक रूप को प्रकट करने का तरीका। आप जानना चाहते हो कि आदमी एक्चुअली कैसा है, उसको पैसा दे दो मालूम चल जाएगा वो कैसा है। पैसे का अभाव उसको झूठा बना देता है लेकिन पैसे का प्रभाव उसको सच्चा बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आदमी पैसा नहीं है और 2 पैग पीता है तो पैसा आने के बाद वो 4 पीता है। जो है उसी को बढ़ाता है, चेंज नहीं करता। पैसा आने के बाद आदमी जैसा होता है उसी को बढ़ा देता है। अगर पैसा आने से पहले आदमी 2 घंटे मंदिर जाने वाला है तो पैसा आने के बाद वो 3 घंटे जाता है। तो वो जैसा है वैसे में, अगर पैसा नहीं है और आदमी में 2 रुपए की या 5 रुपए की ईगो है तो पैसा आने के बाद ये 200 रुपए की ईगो हो जाती है, उसी को बढ़ जाता है। लेकिन और ये इस बिजनेस में सबसे अहम पहलू है सर, मेरी सब सीनियर से गुजारिश है जो इस कमरे में बैठे हैं, इवन गौरव भाटिया, इवन संदीप रूबी एमरल्ड टोपाज डायमंड, ईगो को अपने दिमाग में दिल में जहन में जगह मत देना अगर नेट मार्केटिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं इज्जत भी कमाना चाहते हो। पैसा इस दुनिया में बहुत तरीके से कमाया जाता है, बहुत लोग कमाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन से कमाया जाता है, मैं लेना नहीं चाहता ना, इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं सर। खाली पैसे मत कमाना यार, तुम लोग इज्जत भी कमाना है कि तुम्हारे पीठ पीछे 10 में से 8 लोग तारीफ करें। दो तो गाली भगवान को भी देंगे, उसकी चिंता मत करना, 10 में से 2 भगवान को भी गाली देंगे, मुझे मिलती है तो उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ 10 में से 8 लोगों के बारे में अगर कोई पूछे तो 8 लोग आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं। ऐसा बनाना अपना कद, अपना करेक्टर, अपना नेचर, अपना स्वभाव। खाली पैसे कमाने धंधे मत आना, पैसा बहुत सारे तरीके से और भी कमाया। ये धंधा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये धंधा आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए भी किया जाता है। Good money, earn money. Network marketing is about to make you a good human being. तो ये करना सर, इसको मत भूलना कभी। जो आपको धंधे में लेके आया उसका रिगार्ड करना बंद मत करना। कुछ होते हैं लोग पैसा आने के बाद वो संभलता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मैं शब्दों का इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को ऐसे ही शब्द है, क्या करूं, मंदबुद्धि आदमी जैसा समझ में आया वैसा बता रहा हूं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का चेक आने के बाद 50,000 का चेक आने के बाद हम्बल हो जाना यार। मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं, ये गाना मत गाना यार। सुना ना गाना, मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं, है ना, तो ये गाना मत गाना, ये अहंकार है। और अहंकार ये धंधे में आपकी जड़ें
खोखली कर देता है दोस्तों। ये आखिर में इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि अगर एंटीवायरस आखिर में ये नहीं डालूंगा तो इस सब चीजों का प्रभाव आपके धंधे पड़ेगा, आपको धंधा बढ़ने वाला है मुझे पता है। तो बढ़ने के बाद जो प्रिकॉशन है वो भी देनी जरूरी है। तो जो आज आपने सेशन अटेंड किया है, बहुत दिनों के बाद मैंने 6 घंटा बेसिक बात किया है और बहुत समय के बाद मजा आया आपने को सेशन डिलीवर करते हुए, मजा आया आपको सुन के अच्छा लगा होगा मुझे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी अपने सीनियर की बुराई अपने कानों से मत सुनना चाहिए, कभी भी अपने सीनियर की बुराई अपने कानों से मत सुनना। और अगर उस सीनियर ने आपके लिए कुछ किया है तो साला उस जगह से दूर चले जाना, गोली मार सको आदमी गोली मार दे अगर मार सको तो, क्योंकि आपका सीनियर आपके लिए भगवान है यार इस बिजनेस में। हेलो, बाप है आपका, माँ हो सकता है, पाला होगा उसने, पोसा होगा, लेकिन जब बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया जाता है तो एक और टेंशन शुरू हो जाती है। एक और टेंशन शुरू हो जाती है जब माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं तो पता है क्या टेंशन शुरू होती है, बच्चे को लगता सारा बाप ने किया ही क्या है। आप ओल्ड एज होम में जाए तो बूढ़े आपको मिल जाएंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूं या मैं गलत बात कर रहा हूं, ऐसी बात तो नहीं है जो मैं किसी और देश की बता रहा हूं। आपको मिलेंगे वृद्धाश्रम में माँ बाप, बिल्कुल बच्चे क्या बोल के छोड़ के आते हैं, साला ने कुछ किया ही नहीं, पैदा किया, अरे वो तो अपनी मस्ती में करा, मतलब डायलॉग है ही मैंने सुने कहीं से, किताब में थोड़ी ना पढ़ा। हाँ जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes. तो ये एक सीनियर के लिए भी होता है, सीनियर मिसाल है हमारे लिए कुछ, अरे तुझे धंधे में लेके आया, पैदा तो कर ही दिया ना, ये क्या छोटी बात है। हाँ जी, तो कभी अहंकार मत आने देना दोस्तों। मुझे कहानी याद आती है छोटी सी, जरूर सुनाना चाहूंगा कि एक गधा था, गधा समझते हैं गधा गांव की, और एक गधे का मालिक था जो उसका लालन पालन करता था। अब दोनों के पास काम नहीं था, ना गधे के पास ना मालिक के पास, बेरोजगार थे, बुरे दिन थे, गरीब ही दिन थे, टेंशन से रहते थे दोनों हमेशा, जिंदगी क्या होगी परेशान थे। गधा और गधे का कौन, दोबारा बोलो क्या सुना नहीं मैंने, कौन कौन लोग, गधा और गधे का मालिक। अब दोनों के पास दिन खराब थे, टेंशन थी, अब गधे के जो मालिक थे उसको एक आइडिया है, नेसेस का नहीं कोई और आइडिया है। उसको आइडिया आया कि मैं काम करता हूँ, गधे की पीठ पर रख देता हूँ मंदिर, देश में हमारे बड़े भक्त वाले लोग हैं, तो उसको इसने मंदिर खरीदा बाजार से जाके, छोटा मंदिर लकड़ी का मंदिर रख दिया, भगवान की फोटो अंदर लगा दी। अब वो गधे को लेकर सुबह निकलता मोहल्ले में, तो गधा जब किसी घर के आ गया था तो आवाज निकालता ढेचू ढेचू टाइप, तो लोग बाहर सारा गधा घूम कर है, गधा हल्ला मचा रहा है, बाहर आते देखते मंदिर घंटी तो प्रणाम करते, रुपया 2 रुपया उस मंदिर में, आदमी का धंधा चल निकला। अगले घर जाता वो घंटी हिलती मंदिर में, गधे आवाज निकालते, बंदा बाहर आता, गधा सारा गुस्सा बढ़ा रहा था उसको, लेकिन देखता मंदिर तो क्या करता, पैसा डाल देता। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया, आदमी के दिल ठीक हो गए। कुछ दिन बाद पैसा डालना शुरू किया, बाहर आए देखा मंदिर वही गधा, दोनों को लगा गधा साला कुछ पुराने जन्म में कोई पाप उसने पुण्य किए होंगे, भगवान इसके पीठ पर है। तो लोगों ने भगवान को तो माथे टेकते, गधे के भी टेकना शुरू कर दिया कि भाई इसके ऊपर भगवान है तो कुछ ना कुछ इसमें पाप। अब वो गधे को भी माथा टेकना शुरू हो गया, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन, अब गधे में आ गई ठंड, गधे को लगा साला ये तो मेरी बड़ी चलती है, लोग दुनिया माथा टेकेंगे मुझे, और ये पैसे साला मालिक कमा रहा है, मुझे खिलाता साला घास, खुद खाता चिकन, मालिक साला बहुत कुछ खाता है, मेरे ऊपर साला सुबह से लेकर लाद रखा है, पैसा कमा रहा है, मेरे को कुछ देता नहीं। तो गधे ने बोला छोड़ मालिक को, एक दिन बिना मालिक के ही चलता। अच्छा, मालिक का काम था पहले वो मंदिर रखता था फिर ले आता था गधे को, अब गधा एक दिन बिना मंदिर के निकल गया, उसको ऊपर मंदिर तो रखा नहीं किसी मालिक ने, अब वो गया घर के, ढेचू ढेचू की आवाज निकल, आदमी बाहर गधा हल्ला मचा रहा, दे लठ और दे लठ, दे लठ और दे लठ। गधे को समझ नहीं आया साला कल तक पैर छू रहे थे, आज मार क्यों पड़ रही है उसको। तो ये जो गधा है ना वो इस बिजनेस में होता है, जब तक मालिक अपलाइन इस पे मंदिर ना रखे इसको लट्ठी बजेगी, मैं बता दूंगा।
होना चाहिए कि माता उसको टेका जा रहा है, और वो गधा कोई भी हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो सारा भूत चढ़े ना आपके अंदर, जब इन्हें भूत चढ़े तो कहानी आपको याद आए कि शर्मा जी बोल रहे थे। और यहाँ पर इस कमरे के अंदर मालिक कोई भी नहीं है, सब ध्यान रखना मेरी बात को हमेशा, समझ में आ रहा है आपको? ऑलवेज रिमेम्बर, सीनियर इज सीनियर, रिगार्ड करो, रिस्पेक्ट करो, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट आपको है ना। तो पुजारी में, मंदिर में पुजारी बैठते हैं ना, तो पीछे भगवान की मूर्ति है तो पुजारी आगे बैठते हैं प्रसाद देने के लिए, पीछे भगवान की मूर्ति आगे पुजारी बैठे हैं प्रसाद देने के लिए, तो आदमी आया प्रसाद चढ़ाने के लिए, पुजारी को दिया, पुजारी ने चढ़ाया, आदमी ने माथा टेका निकल लिया। फिर दूसरा आदमी आया पुजारी को दिया, पुजारी ने चढ़ाया माथा टेका निकल गया। दो महीना, चार महीना, छह महीने, साल बाद पुजारी को लगता है माथा मुझे टेका जा रहा है, लेकिन उसको ये कभी समझ में नहीं आता कि माथा तुझे नहीं टेका जा रहा बेटा, तेरे पीछे खेल कोई और चला रहा है। तो आपको जब भी लगे कि आपके आगे माथा टेका जा रहा है तो समझ लो आप पुजारी हो, माथा तुमको नहीं टेका जा रहा बाबू, आपके पीछे खेल कोई और चला। हमेशा ध्यान रखना, कभी ईगो अहंकार मन में मत आने देना। सब सीनियर लोगों से मेरी खास तौर पर गुजारिश है, और आप लोग भी सीनियर हैं, धीरे धीरे आप सीनियर हो जाएंगे, तो ध्यान रखना कभी कोई आदमी मैं करता हुआ मिले तो बोले शर्मा जी कहानी सुनाई सुनाओ तुझको, भूल गया साले तू अच्छा है मैं, तो मैं कभी भी नहीं आना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, है ना। तो पंकज कोहली जी मेरी कोई बात भूली लगी हो तो मेरा क्या उखाड़ लोगे? बहुत देर बाद दिखाई दिए तुम। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सही जगह निशाना कैसे मार दिया। नहीं मजाक कर रहा हूँ। पंकज जी हमारे ग्रुप के बहुत जबरदस्त सीनियर हैं, और अभी मेरे से बात बाहर ही बैठे होते हैं जो सेशन के पहले, तो इंसान भी बहुत बढ़िया है और इस बिजनेस को लेकर सीरियसली है, वेरी गुड। पंकज जी मैं इंस्पायर हूँ आपसे, और पंकज जी का यहाँ तक मुझे पता है उनके करीब ग्रुप में 40 लोग बैंकॉक में क्वालिफाई है ना पंकज, 24 लोग बैंकॉक क्वालिफाई है, तालियां होनी चाहिए। तो कुछ करते हैं बड़ा सर, मिलकर काम करेंगे। 2018 का मेरा टारगेट आप सबको पता है, मुझे रॉल्स रॉयस खरीदनी है दोस्तों, और 2020 का टारगेट मेरा एक और बड़ा है आपको पता है कि मुझे जहाज खरीदना है। हालांकि पागलपंती वाली बातें लग रही होंगी, कुछ लोगों नए नए बच्चे आए जहाज खरीदेगा अंदर सोच रहे थे। अच्छा आप ये जो ऐसा सोच रहे थे उनको अगले सेकंड मैंने बोल दिया, उनको सोच रहे साले इसको पता कैसे लगा कि हम ये सोच रहे हैं। आपके दिमाग में कुर्सी लगा के बैठा हूँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ लोग ऐसा ही सोचते रहे जिंदगी भर कि ये नहीं कर पाएगा। ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है, ये चीजें मुझे इंस्पायर करती है, मेरे को आगे बढ़ाने में उन लोगों का बड़ा हाथ है जिन्होंने मुझे गालियां बकी हैं। एक एक गाली मुझे कम से कम 150 कदम और चलने की हिम्मत देती है। मुझे जब मुझे कोई बताता है कि आज तुझे बड़ी गाली मिली तो मैं कहता हूं सारा आज 4 ट्रेनिंग और करूं फालतू। मुझे गालियां पीछे खींचती नहीं है, मुझे गालियां उनको समझ, उनको लग रहा है कि इसको गाली दो ये पीछे आ जाएगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारी गाली की वजह से कमा रहा पैसे। तो मैं चाहता हूं आप भी अपनी आसपास जो आपको गाली वाली बढ़े तो उसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह करें, उसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 2018 का टारगेट में आप शामिल रहिए, रॉयल्स रॉयस खड़ी मिलेगी आपको सेमिनार के बाहर, 4.5 से 5 करोड़ रुपए का गाड़ी है छोटा सा, और हमारे ऐसे नालायक ले सकते हैं स्कूटर पे चलने वाले, तो आप भी ले सकते हो यार, बच सकते हो, डिसिप्लिन फॉलो करना। डिसिप्लिन फॉलो करना करोगे है ना, छोटी छोटी चीजें है ना, जहाँ 10 रुपए मांगे जा रहे हैं 15 रुपए, जहाँ 20 रुपए मांगे जा रहे हैं 25 रुपए, आपका जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी का माइंड सेट है उसको ठीक कर, धीरे धीरे शर्ट जहाँ 600 रुपए खरीद रहे हो वहाँ 1000 रुपए खरीदना शुरू करो, जूते जहाँ 2000 खरीद रहे हो वहाँ 2500, थोड़ा सा पैसे बनाने के लिए पैसा बनाने वाला आदमी दिखना जरूरी है, तो उसमें डर लगेगा, दर्द होगा। तो 2018 में आप इंतजार करिएगा, देखते रहिए आज तक। हाँ हम लेंगे सर, हम लेंगे आपके साथ भी लेंगे, आपके बिना, आप में से एक भी नहीं रहेगा साला तब भी लेंगे, ठोक के बोल रहे हैं आपके सामने,
आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि साला लेगा नहीं, आपके साथ भी लेंगे आपके बिना भी लेंगे, ये बात आपको उसके आगे ही बोल रही है जिसको प्लान दिखा रहे हो, साले तेरे साथ भी करूंगा तेरे बिना भी करूंगा, तूने करना है तो आ जा, मतलब वो टेंशन मत तेरा किसी के मना करने का ना, सपने तो आपको पता ही है 2018 में सपना मेरा रॉयल सर्विस का नहीं है, एक कदम और आ गया, सपना ये कि रॉयल सर्विस में किसी को प्लान दूंगा हरामखोर मना कर। कितना अच्छा लगेगा दोस्त किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं रॉयल्स रॉयल्स में 5 करोड़ का गाड़ी शोरूम से आया प्लान दिखा रहे और ये बोल रहा है मुझे नहीं फालतू बन के काम है, ये काम है साला करने का, और मैं इतना खुश हूँ ताली बजा के उसको गले लगा लूं झप्पी पा लूं, बोले क्या है सपना पूरा कर दिया, बोले रॉयल्स रॉयल्स ने गा रहे नहीं तुझे नहीं बता रहे क्या सपना पूरा किया, तो मेरी शुभकामनाएं विश ऑल द बेस्ट गौरव भाटिया, आ जाओ यार आगे का सेशन संभालो, मेरी विशेष है आपके साथ स्विस के अंदर आपसे एक वीडियो शूट करता हूँ सबका, तो मैं अगर भेजूंगा सबको तो उनको पता होना चाहिए, लीडर्स आगे आ जाएं, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं नो प्रॉब्लम, लेकिन जब वो शोर शराबा मस्ती अंगार हो वो शूट हो जाए तो जो जो कमीने लोग नहीं आए उनमें आग ना लगे, उनकी चट्टी में बम लगा के रिमोट अपने पास मार डाले उनको तबाह कर डाले, है ना, तो मैं 3 तक गिनता हूँ और मैं उसके बाद वीडियो का बटन दबा दू, चलो 3 के बाद मजा आएगा कि नहीं आएगा, हल्ला वाला टाइप थोड़ा लगना चाहिए।